उम्मीद की जा रही है कि पंजाब कांग्रेस की कला सुलह में बदल जाएगी। पिछले कई महीनों से कैप्टन और उनके खिलाड़ी साथी सिद्धू के बीच जारी मैच में एम्पायर का काम कर रही कलह सुलह समिति ने आलाकमान को अपनी राय बता दी। समझा जा रहा है कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कैप्टन विरोधियों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल अगर हरीश रावत ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया है तो इसका मतलब कि कैप्टन को इस फैसले के लिए राजी कर दिया गया है और उन्हें बताया गया है कि सिद्धू तो सिर्फ खोटा है, अंदर ही अंदर बड़ी बगावत सुलग रही है। सिद्धू ने हरीश रावत कमेटी के सामने 25 विधायकों की परेड करके ये साबित भी कर दिया है। लेकिन सिद्धू अमृतसर की लड़ाई में आलाकमान की हालत साफ छछंदर की सी हो गई, क्योंकि वो जानते हैं कि पंजाब में चुनाव तो कैप्टन ही जीता सकते। वही सोनिया गांधी से मुलाकात के तुरंत बाद अमरिंदर सिंह अपने वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने उसके बाद हरीश रावत की मौजूदगी में गांधी परिवार से मुलाकात। ऐसे में कैप्टन को नाराज करने वाला कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि कैप्टन ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की राह में रोड़ा खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों लंच पर विधायकों की बैठक के दौरान हिंदू विधायकों ने सिख सीएम के होते हुए हिंदू प्रदेश अध्यक्ष की मांग जोर शोर से उठा दी। ऐसे में सिद्धू को अध्यक्ष बनाने पर नए तरीके का बवाल खड़ा हो सकता है, लिहाजा सोनिया गांधी को खुद आगे आकर कैप्टन से बात करनी पड़ी। ऐसे में सिद्धू के एक अनुसूचित जाति और एक हिंदू सवर्ण नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फॉर्मूला ईजाद किया गया है। लेकिन ये भी कैप्टन की जीत ही मानी जा रही है, क्योंकि कैप्टन को अब सिद्धू से सीधा मोर्चा नहीं लेना पड़ता। दोनों कार्यकारी अध्यक्ष ही सिद्धू की जुबान पर लगाम लगाने को काफी है। इस फॉर्मूले के बाद बॉल सिद्धू के कोर्ट में मानी जा रही है। इतनी फजीहत के बीच सिद्धू कांग्रेस में बने रहेंगे या आम आदमी पार्टी के पंजाब के कैप्टन बनेंगे। हालांकि इस बीच सिद्धू को डपट कर जुबान बंद कर रखने को कहा है। उधर कैप्टन लॉबी ने सिद्धू के वो वीडियो जारी कर दिए जिसमें वो राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे। इस वीडियो के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी सिद्धू के बयान का वीडियो वायरल कर दिया गया। स्कूल जाओ, स्कूल में जाके पढ़ना सीखो और राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। और ये केजरी भाई, ये तो नौटंकी कंपनी है, नौटंकी कंपनी लगा के मफलर ड्रामा। अबे तुझे खांसी तो ठीक हुई नहीं, दिल्ली कहां से ठीक करेगा। ऐसे में सिद्धू पंजाब की राजनीति के राखी सावंत को समझे जाने लगे। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने तो उनसे पार्टियां ज्वाइन कर उन्हें खराब न करने की सलाह दे डाली। इन सब के बावजूद सिद्धू के दुख दर्द को किसी ने समझा है तो वो है प्रियंका गांधी। वरना तो जब सिद्धू की कला सुलह समिति के सामने पेशी चल रही तो राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस के 150 नेताओं के साथ बैठक करने में व्यस्त। प्रियंका ने सिद्धू पर भरोसा कर तुरंत सूर्या से बात कर सिद्धू की राहुल के साथ बैठक कराई। इसके बाद सिद्धू संजीदा होने के बजाय और चौड़े हो गए। उन्होंने लगातार ट्वीट कर पंजाब में पिछली समस्या को लेकर कैप्टन सरकार की नाकामी पर खुलकर हमला किया। मौके का फायदा उठाकर मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली संकट को लेकर उड़कर प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ तीखी झड़प भी हुई। लेकिन सिद्धू को मैच जीतने का इतना जबरदस्त भरोसा था कि वो ट्वीट कर केजरीवाल की तारीफ करने से भी नहीं चुके, तो केजरीवाल ने भी उन्हें अपना हितैषी बताया। उन्होंने आलाकमान को दबाव में लेने के लिए ट्वीट कर ये कह दिया कि विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस के वफादार सिपाही उनसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में आओगे तो कोई बात नहीं, कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल। सवाल यही उठ रहा है कि आलाकमान क्या सिद्धू की इस नाफरमानी और ब्लैकमेलिंग के बाद भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आलाकमान मान भी जाए तो क्या इतनी उठा पटक के बाद निकाले गए इस फॉर्मूले को सिद्धू अपनी जीत बता पाएंगे? क्या गारंटी है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सिद्धू की नियुक्ति के बाद अहम की लड़ाई खत्म हो जाएगी या इसके बाद कैप्टन और क्रिकेटर राजी खुशी रहने लगेंगे? बहरहाल कांग्रेस को मोदी से लड़ने से पहले सिर्फ पंजाब ही नहीं, कई राज्यों में घरेलू मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। आपस में जूझ रहे नेता क्या खाक मोदी से लड़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन।